इतना ही गाइस। मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पे नहा लूँ, तो फिर भी फील ऐसा आता है ना कि क्या बताऊँ। और ये देखो आगे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत दिन बाद मोटो ब्लॉगिंग पे स्टार्ट हुआ है। आज पूरा फुल फॉर्म पे हूँ अपना भाई, ठीक है। उस दिन का जो अपलोड किया था वो वाला कुछ दिन पहले का था, तो अपलोड करने में लेट हो रहा था क्योंकि अपने को बहुत कुछ चीज़ें से सामना करना पड़ा। तो फाइनली अभी मोटो ब्लॉगिंग आ रहा है धीरे धीरे करके। लेट्स सी, मोटो ब्लॉगिंग डालना स्टार्ट कर दूंगा और ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो पहले जैसा लेट करके एक वीक के बाद, दो वीक के बाद अपलोड करना ये बंद कर दूँगा। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि एक दो दिन के बाद अपलोड करने का, ठीक है। तो अभी इलेक्शन वगैरह भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जेको ठीक होने के बाद पहला मोटो ब्लॉगिंग ये है प्रॉपर तरीके से। तो आज है अपना भाई पूरा फुल फॉर्म पर जा रहा हूँ, ठीक है। तो जाऊँगा कुछ ऐसे जगह है जो व्यू पॉइंट, तो व्यू पॉइंट तो नहीं है, रास्ते पे वहाँ से व्यू मस्त आता है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कहाँ पे जा रहा हूँ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना। तो चले, आज का पूरा फॉर्म थोड़ा ज़्यादा है, हाई है, तो आज थोड़ा सा हाई पर राइडिंग होगा, ठीक है। बाप रे बाप, क्या मारता है ओवरटेकिंग। तू के सब्सक्राइबर करा दो और 1900 सब्सक्राइबर कर देना, एक दो सब्सक्राइबर मार के, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग और 1000 तो और 100 तो आप लोग ऐसे ही करवा लेगा। तो ओ माय गॉड, क्या पावर है जेको का भाई। बहुत दिन बाद अपना पूरा फॉर्म पे आया हूँ मैं, क्योंकि हमेशा स्लो स्लो करके चलाता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। दिक्कत मतलब ऐसे स्लो स्लो करके चलाता है और बहुत हो गया स्लो स्लो करके चलाना। अभी हो चुका है हाइपर राइडिंग थोड़ा सा, ठीक है। राइडिंग का शुरू बहुत दिन हुआ, हाइपर राइडिंग चलाया ही नहीं यार। हमेशा चलाता हूँ नॉर्मल। तो रूट अच्छा है, हाइपर राइडिंग भी होगा। लेट्स गो, फील अलग सा आ रहा है जब हाइपर राइडिंग करता है। तो हाइपर राइडिंग करने से पहले आगे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रास्ता सुंदर है, साफ सुथरा है, कोई यहाँ से आने जाने का कोई टेंशन नहीं है, करके भी बाइक चला नहीं सकता, क्योंकि कहाँ पे कौन आता है, कौन सा गाय आता है, किसी को नहीं पता। तो इसीलिए देख के चलाना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ना देखे सिर्फ चलते जाओ, ऐसा भी नहीं है। अब इधर उधर साइड पे देखे तब भगाना, ठीक है। वाह क्या मज़ा आ रहा है साउंड, माँ का सब मानना पड़ेगा। जेको को बहुत दिन बाद पूरा मूड ऑन हुआ है इसका। ये रहा पहलने का जगह है, ये है बस इतना ही गाइस। एक सौ बीस ही उठा सिर भाई, ठीक से खींचने का जगह ही नहीं मिलता। ओ फक, ये देखना चाबी कहाँ उड़ के आ गया मेरा। शेट मैन भाई, 120 जा रहा है तो ये तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। चलो सही है, इसलिए मैं चाबी को यहाँ पे बांध के रखता हूँ ताकि गायब ना हो। तो गाइस मेरा लॉन्ग ड्राइव का प्लानिंग क्या हुआ है, लेट्स सी मेरा अभी लॉन्ग ड्राइव का प्लानिंग क्या होता है। मेरा तो पूरा मन तो कि मैं ठीक है मैं करूँगा, मतलब करूँगा, तो इसलिए बहुत प्रिपरेशन चल रहा है अभी जुलाई मंथ को। तो लेट्स सी होता क्या है, अगर मेरा ड्रीम कंप्लीट होता है तो वाह क्या
ड्रीम था, ठीक है, तो वही अगर पूरा होता है तो क्या मज़ा आएगा। तो यही है हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली का, जब मन करे जा नहीं सकता तो उसके लिए बहुत ही प्रिपरेशन चाहिए, बहुत दिन से प्लानिंग होना पड़ता है। तो इसीलिए तो अभी देखा जाएगा ना क्या होता है, अभी जाएगा तो अगर मौसम ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है, तो तेरा भाई पहुंच चुका है सीधा सीधा, कहाँ पे नहीं बताऊंगा। ये एक सीक्रेट है आप लोगों को, क्योंकि बाद में आप लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा, मैं अपडेट दूंगा, अभी तो नहीं दूंगा क्योंकि अभी अपडेट करके कुछ नहीं मिलेगा, बाई चांस ना भी जा सकता है ना इसीलिए। अरे मेरा पहले का फुटबॉल खेलने का पार्टनर लोग शायद साइकिल पीछा पे गया होगा। सो यही है कि अभी कोई प्लान ही नहीं है। अब ऐसे टाइम पे बोलो कि जब हाँ अब जा सकता है, ठीक है, पूरा अब कॉन्फर्म हो, पूरा मतलब अभी जा रहा है तब बोलना, अब नहीं तो अब वो चीज़ें हुआ ही नहीं मत बोलना, ठीक है। ऐसे ही है सब कुछ, कुछ लेने से पहले मत बोल, लेने के बाद बोलना तब, ठीक है। अगर तुम लेने के बाद बोलता वाह, इसीलिए आप ऐसा चीज़ मत करो कि लेने से पहले बोल के, है ना। क्या फील आता है सीरियसली ब्रो, पता नहीं कौन कौन है वहां से, ये सब ऑल द बेस्ट दिखा रहा है तो मैं भी ऑल द बेस्ट। भाई क्या फील आ रहा है, वैसे मैं अकेले हूँ ना तो अकेले का फील उठाने तो चाहिए, बहुत दिन बाद राइड कर रहा हूँ तो अकेले का फील लेना तो पड़ेगा ना गाइस। तो ये देखो गाइस पहाड़ मानना पड़ेगा गाइस, अकेला आने का यही सुकून है, तो सुकून का फायदा तो उठाना पड़ेगा। भैया बेटा कैसे, वो भी कपल आ रहा है वहाँ से, आंटी ससा लोग, कैसे उतरना पड़ रहा है थे कितने कीचड़ पे। ए तेरी की, ऐसा सीन कहाँ हुआ रे बेटवा, इतना तो बारिश नहीं हुआ ऐसा होने का। रात को ना कभी कभार लोग आने से ऐसा सीन होता होगा कि यहाँ से डायरेक्टली इधर चला जाता होगा, सुबह सडनली उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है। देख रास्ते पे पानी आ रहा है, ओ चस्सा सही है। वाओ क्या व्यू मस्त है, पूरा घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, पूरा घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। भाई इस जगह की तो मैं मस्त बोलता हूँ, ये देखो, अरे यहाँ पे अभी तो जंगल जंगल हो गया है, पहले यहाँ पे कितना मस्त फोटो आता था। यहाँ पे ना लैंडस्लाइड होता है, बहुत लैंडस्लाइड होता है इस जगह पे, ये देखो वाह वाटर क्रॉसिंग, क्या मस्त है ना वाटर क्रॉसिंग, वो भी अपना त्रिपुरा पे, मस्त है वाटर क्रॉसिंग इन त्रिपुरा, जस्ट लाइक ए वाव। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, ओ तेरे की, देखना पूरा झरने से गिर रहा है, वाव मस्त है मस्त मस्त, आगे भी निकल रहा है यहाँ से। ये पानी ना पूरा नेचुरल पूरा प्योर है, प्योर जो बोतल का पानी मिलता है ना इससे भी पूरा साफ सुथरा है, पूरा मस्त है। ओ चाचा यहाँ पे है क्या असली वाटरफॉल, असली वाटरफॉल ये है का, ओ चाचा मेरे को थंबनेल लेना है, कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रहा है ना। और तेरी की क्या फील आ रहा है, देखना वाटरफॉल सही है। Thank you.
हाफ रास्ता राइड किया हूँ तो इवनिंग राइड किया हूँ। तो इवनिंग राइड करने के बाद आते आते एक अच्छी से छोटा सा वाटरफॉल मिला है जो रास्ते के बीचों बीच है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा मुँह धोया और रास्ते में छोटा छोटा देखा था तो ये वाला इतना मस्त आता है ना कि वो पानी वाटरफॉल है, पहाड़ से आता है तो छोटा सा वाटरफॉल रूट पे। तो थोड़ा सा मुँह धोया तो फिलहाल अभी यहाँ पे रील शॉट लेते हूँ। तो रील शॉट लेने के बाद आप लोग सब डायरेक्ट सीधा मिलता हूँ, ठीक है। 2000 years later, ठीक है। तो शॉट ले लिया, लेने के बाद अभी मेरा आप लोग देखोगे मेरे जेको का हालात अभी, ठीक है। जेको का हालात देखने से पहले मेरा हालात देखो। तो ये रहा, कैसे हुआ आप लोग तो समझ लेगा होगा, ठीक है टीचर। और यहाँ पे भी देखो कुछ बॉडी पे लगाया हुआ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जेको पे देखो, ये चेक करेगा इस पूरा बॉडी पूरे कीचर। और यहाँ पे पानी तो साफ तो नहीं करूँगा, बाद में जाकर साफ करूँगा, ठीक है। फेस धोया, फेस धोने के बाद बॉडी को भी थोड़ा सा ठंडा दे दिया। तो अभी जा रहा हूँ फिर से रिटर्न, ठीक है यहाँ से ही। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइड साइड से कितना पानी जा रहा है यहाँ पे। सो आगे भी छोटा छोटा और भी है, ठीक है। तो आगे का तो मैं रुकूंगा या ये तो नहीं पता, लेकिन देखता हूँ आगे भी बहुत छोटा सा वो नल से निकलता है यहाँ से, बहुत सुंदर सुंदर सा लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनता है मेरा दोस्त, मेरे दोस्त एक फ़ोटो तो बनता है यहाँ पे, है ना गाइस। क्या मस्त पानी आ रहा है ना, मन तो कर रहा है कि मैं यहाँ पे नहा लूँ। अरे देखना रूत के बीच से ही पानी निकल रहा है, सीरियसली ये देखना, इधर से सब की इधर से अंदर से पानी आ रहा है, देखो सही है। अच्छा मस्त है रे ऐसे जगह पे। तो यहाँ पे एक और एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, ठीक है। सो गाइस पूरा खूबसूरत तो यहाँ ही है अपना त्रिपुरा पे, और आसपास जो नदियाँ जा रहा है इसको नदियाँ तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो फिर भी फील ऐसा आता है ना कि क्या बताऊँ। और ये देखो आगे आसपास पूरा पानी जा रहा है, अलग ही स्वैग आता है। सो जेको का हालत तो देख सकते हैं, ना पूछना ही बेहतर है। सो अभी चलता हूँ यहाँ से थोड़ा रेस्ट करने के बाद, लेकिन सुकून बता नहीं सकता। तो लेट्स गो, रास्ते पे और दिखाता हूँ, ठीक है आ जाओ। लैंड स्लाइड होता है ये देखो, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। देखो पानी कैसे गिर रहा है, तो ये देखो पूरा लैंड स्लाइड हुआ है। तो इसीलिए बारिश का टाइम पे देख के जाना पड़ेगा। वाह क्या फील आएगा ना, मैं तो यहाँ पे मेरा मन पे कैसा चलता है पता है। अरे ये क्यों हिल रहा है रे रास्ता, देखना जैसे कि वो पानी का लहर है ना ऐसे बड़ा लग रहा है। अरे बाप रे बाप। सो मेरा मन ऐसा है कि यहाँ पे पूरा लेट के ना सांप की तरह नहाऊं, इतना फील आएगा क्या बताऊँ। सो यही है अपना धलाई डिस्ट्रिक्ट पे, अपना त्रिपुरा पे क्या मस्त मस्त जगह है। बाहर से जो भी देख रहा हो थोड़ा सा कभी कभार एक्सप्लोर करने आना अपना त्रिपुरा को, ठीक है। तो हम तो अपना त्रिपुरा को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो आप लोग भी आके थोड़ा सा बढ़ा दो टूरिज़्म, ताकि नेक्स्ट टाइम पे कोई आएगा तो अच्छे से ये वो दिखा सके, ठीक है। बहुत जगह है अपना त्रिपुरा पे भी घूमने का, बहुत मतलब बहुत। और यहाँ पे एक है, वो किधर गया। अरे यहाँ पे ही तो एक था मेरा, वो कहाँ चला गया देखा ही नहीं सही में। अच्छा ये वाला है क्या, नहीं ये वाला तो पता नहीं कौन सा वाला है, खैर रहने दो अभी जाता हूँ। ये वाला लगा था मेरे को, लेकिन छोड़ो। व्यू देखो गाइस कितना मस्त आ रहा है ना, वाओ। उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। सफरनामा सवालों का सफरनामा, ऐ खुदा मुझको पता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता हम तो
अपनी मंजिल का पता शाम मलंग सी रात हाँ। तो यहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर मिला था तो उसके साथ थोड़ा सा बात किया, तो इसी चक्कर में अभी फिर से खो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो गाइस क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी करवा दो, तो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग के साथ मिलता हूँ। एंड टाटा बाय एंड राइट सेफ।